अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा, मैं आपका अपना दोस्त अब्दुल रज़ाक सर। ऑनलाइन ब्रिज कोर्स में आप तमाम का इस्तकबाल है। आज हम पढ़ेंगे जमात चहरुम का मराठी। कल हमने 15वें 16वें दिन की हमने टेस्ट दी थी, दूसरी चाचनी हमारी हो गई थी। अब हम 17वां दिन आज से पढ़ेंगे, क्योंकि अगले 15 दिनों में जो हमारे 17 से लेकर हमको 23 तक की सरगर्मियाँ मुकम्मल करना है, दो दिन में एक सरगर्मी हम मुकम्मल करेंगे। चलिए हम आज 17 दिवस 17 से हम शुरू करते हैं। अभ्यास क्रम हम शुरू करेंगे आज। इसमें कौशल्य क्षमता श्रवण वाचन अनि लेखन। श्रवण माने सुनना, समाध करना। श्रवण यानी क्या? समाध करना। वाचन करना मतलब पढ़ना, और लेखन करना मतलब लिखना। हमको क्या क्या करना है? श्रवण करना, समाद करना है, ध्यान से सुनना है हमको, वाचन करना है, पढ़ना है, और लेखन करना है। कौशल्य मतलब क्या? महारत। हमको महारत हासिल करने की, सुनने की और पढ़ने की और लिखने की। अब यहाँ पर आज का हमारा सबक का नाम क्या, देखिए, शब्द बाग। बाग समझते हैं, बागीचा। शब्द यानी अल्फाज। अब अल्फाज का बाग आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह से ये पढ़ा जाता है, समझने की कोशिश करेंगे। आपको क्या करना है कि वर्तमान पत्रा यानी जो हमारे जो अखबार आते हैं, रोज़ाना के डेली अखबार आते हैं, उसमें बाल साहित्य बोल के या फिर दूसरे जो बच्चों की कहानियाँ छोटी वगैरह होती है, उसको आपने जमा करना है और उसको पढ़ने की कोशिश करना है, ताकि आपका जखीरा अल्फाज बढ़े। आपला जर शब्दांचा भंडार जर वाढला, तर आम्हाला मराठी बोलणं आणि समजणं सोपं जाईल। त्याकरिता मराठी बोलण्यासाठी आपल्यापाशी शब्दांचा भंडार असणे आवश्यक आहे। कोणतीही भाषा शिकताना आणि कोणतीही भाषा बोलण्यासाठी आपल्यापाशी त्या भाषेचा शब्द भंडार, अल्फाज का जखीरा हमारे पास होना जरूरी आहे। फिर वो अंग्रेजी हो, मराठी हो, हिंदी हो, कोई भी जबान हमारी बोली जबान हो, जो भी जबान हमारे पास हमको बोलना है, भाषण कौशल्यासाठी आमच्याकडे शब्दांचा समूह यानी शब्दांचा भंडार असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे। आणि शब्दांचा भंडार कसा गोळा करावा, त्यासाठी आम्हाला श्रवण करणे महत्त्वाचे आहे। आम्हाला जेवढं बोलायचं आहे तेवढं आम्हाला जास्तीपेक्षा जास्त आम्हाला ऐकणं गरजेचं आहे। ते पण कसं? लक्षपूर्वी ऐकणे। चला तर आपण पुढे चालूया। आपल्या परिसरात आणि हमारे माहौल में आपल्या परिसरात जी वस्तू असतात त्या वस्तूला काय म्हणतात, त्याचा आपण एक यादी तयार करायची, एक फहिरस्त तयार करणं आहे। जसं आपल्या घरात काय काय असतं, आपल्या घरात जे वस्तू असतात त्याला काय म्हणतं, जन आपल्या घराला दरवाजा असतो, दार असतो, त्याला दार म्हणायचं। आपल्या घराला आणि काय असतं, आपके घर में जो चीजे हैं उन चीजों को क्या कहा जाता है, मराठी में आपको बताना है और उसको लिखना है। ये सारी चीज़ों को आपने क्या करना है, एक कॉपी में अपनी सरगर्मी की बयाज में लिखना है, जिसको आपने पढ़ने के बाद आपके क्या हो जाएंगे, जखीरा अल्फाज बढ़ जाएंगे। जखीरा अल्फाज अगर आपके बढ़ेंगे तो आपको बोलना आसान हो जाएगा। उसके बाद देखिए, शिक्षकांनी शब्द बागेत दिलेले शब्द वाचून घ्यावे, त्यानुसार विद्यार्थ्यांना चौकोनातील शब्द शोधायला सांगावे, शोधलेले शब्द खुणाने दाखवल्या सांगावे, ते शब्द वाचून घ्यावे, दिलेल्या शब्दांपासून वाक्य बनवून दाखवले आहेत त्या वाक्यांचे वाचन करावे। अब देखिए क्या करना है, ये शब्द बाग हमारे पास दिया गया है। अब इसको आपने क्या करना है, ध्यान से पहले पढ़ना है, ठीक है। अब क्या है, आ है, न है, यहाँ पर आ और न, बाण का न है ना, आन बना, क्या बना, आन बना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या आया बनाए, ये देखिए क्या बनाए, फनस, फनस, क्या बनाए, फनस, ठीक है। ओढ़ा बना हुआ है, ओढ़ा, ओढ़ा मतलब जो नाले बहते हैं हमारे बारिश के मौसम में, जो नालियां बहती हैं उसको क्या कहते हैं, ओढ़ा। आपको क्या करना है कि आपको इसको पढ़ना है, जैसे ला है, ना है, च है, पे है, ढा है, ये सारे जो है हरफों को जोड़कर आपने ऐसे अल्फाज बनाना है। कुछ मैं आपको बनाकर बताता हूँ, उसके बाद आपने भी बनाने की कोशिश करना है। देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर बनता है क्या, ये देखिए ढ
ग ढग बनाना। देखिए छा न छान, और क्या, और क्या बनता, देखिए मामा, और क्या बनता है थवा, थवा बोलते हैं परिंदों का जो झुंड होता है थवा। उसके बाद देखिए सांप, ऐसे बहुत सारे इसके अंदर क्या बनते हैं अल्फाज बनते हैं, या आपको ढूंढना है इसमें से और क्या करना है उसका एक जुमला बनाना है, और जुमला बनना क्या आपने क्या करना है इसको अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है, आपने इसका लफ्ज़ बनाना है और लफ्ज़ को अपने जुमलों में इस्तेमाल। अच्छा लगा अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।